बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयद इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज नए इस्लामी साल का आगाज़ हुआ, यकम मुहर्रमुल हराम है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा साल तमाम जो आफतें बलाएं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिस तरह से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है कोरोना जैसी सूरत में, तो इनसे अल्लाह ताला हम उनकी हिफाजत फरमाए और हम सबको अपनी ख़ास हिफाजत में रखें। शहदाए करबला का भी जिक्र करेंगे हम, ख़ास तौर पर उनकी कुर्बानियों का, जो जुल्म ढाए गए उनका जिक्र होगा और तफसीलन उस पर बात भी करेंगे। पहले हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से, तो NCOC ने रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना के बढ़ते फैलाव पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। मुतल्लिका इकाइयों को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत भी जारी कर दी गई। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेरे सदात NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में वबा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी ही रेलगाड़ी पर सफर कर सकेंगे। अच्छा, इजलास में मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र किए जाने वाले इकदाम पर भी गौर किया गया और महकमा सेहत के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.41% पर बरकरार रही है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर ये भी है कि आलमी सतह पर किल्लत के बावजूद पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की भारी मकदार हासिल करने में कामयाब हो गया है। रवा माह 3.50 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन जो डोजेज हैं वो पाकिस्तान लाई जाएंगी। और ज़रा ये कह रहे हैं कि चीन से साइनोफार्म के अलावा साइनोवैक और कैनसाइनो की जो खेप है वो भी पाकिस्तान पहुँचाई जाएगी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए SMS के इंतजार की जरूरत नहीं है। हम लोग मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं, मैसेज नहीं आ रहा होता तो उस इंतजार की जरूरत नहीं है। ट्विटर पर उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि शहरी साइनोफार्म की वैक्सीन अब 3 हफ्ते के बाद, जबकि साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन हैं वो 4 हफ्ते बाद लगवा लें। अगर मैसेज नहीं भी आ रहा तो आप जा सकते हैं और जाके आप लगा सकते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अभी भी हम देखें तो शरह काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कुछ केसेस कम हुए, शरह कम हुई है और जो नरमियाँ कर दी गई हैं, आप समझते हैं कि वक्त से पहले कर दी गई हैं, मज़ीद दौरानियाँ बढ़ा देना चाहिए था? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है हमारी इकोनॉमी की भी और वबा की भी, हमें दोनों साथ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं या कम नहीं हो रहे हैं, तो एटलीस्ट लोगों की मूवमेंट को रोकना ज़रूरी है। यानी कि लोगों को ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे हुकूमत को कि जिससे ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो। तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सबसे अच्छा रहता है, सबसे जो बेहतर जो सजेशन है वो यही है कि सब चीज़ें खुली रहें, लेकिन लोग सख्ती से SOPs पे अमल दरामद करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती और नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, तो हमें लोगों को घर पे बैठाना चाहिए, यानी कि लॉकडाउन करना चाहिए और कुछ अरसे के लिए करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने डिमांड ये की थी कि कम्प्लीट लॉकडाउन, ये जो पार्शियल लॉकडाउन सिंध में हुआ उससे तो कोई खास एज सच हमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ परसेंट 3-4% नीचे ज़रूर आया है, और जो आना भी था कि जाहिर है थोड़ा बहुत तो ब्रेक किया गया था। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि जो ये तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ ऊपर की तरफ केसेस का भी और अमवाद का भी, तो इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए था और वो अल्लाह का शुक्र थोड़ा सा आया है। लेकिन अभी भी अस्पतालों में जो बर्डन है वो मौजूद है, लोगों को बिस्तर मिल रहा है, लोगों को अभी भी, कल रात को भी हमारे जानने वालों ने मुझे फोन किया कि जी हमें एडमिट नहीं किया जा रहा। अच्छा। है उनको ER में रखा गया है, कहते हैं बिस्तर नहीं है। तरह की सिचुएशन अभी है। अगर खुदा ना खास्ता जो मुझे बहुत एक अफसोस से कहना पड़ता है कि हम डिमांड जरूर करते हैं कि बाजार खोल दो, ये खोल दे, मीशत तक, लेकिन हम जब खुल जाता है तो हम उस पर SOPs पे अमल दरामद कोई नहीं करता है। कल भी मैंने देखा कि बेतहाशा लोग ऐसे निकले हैं
जैसे शायद एक दिन के लिए दिया गया है कि आज खुलेगा कल फिर बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर, लोगों की जानिब से एहतियात तो की जाती है लेकिन अब जिस तरह से बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब जो है मौसम क्योंकि अब चेंज भी होगा, एक दो माह के अंदर हम देखते हैं कि सर्दियां भी आने वाली हैं, तो ऐसे में आप क्या रिकमेंड करते हैं? बूस्टर डोज जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इस हवाले से भी मुतजा बातें सामने आ रही हैं। देखें इसमें बड़ा क्लियर है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि WHO भी मना कर रही है, उनका भी गाइडलाइन यही है कि अभी ना बूस्टर डोज का वक्त है और ना ही मिक्स और मैच वैक्सीन का कोई तरीक़ेकार एडॉप्ट हुआ है कि आज आपने साइनोफॉर्म लगाया है उसके बाद आप जो है ना फाइजर लगा लें या मॉडर्ना लगा लें या कोई इस तरह के, जिससे WHO भी ये कहती है और हम भी ये समझते हैं कि किसी को खतरा हो सकता है उसके जान का, तो लिहाजा ये तो अभी नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में 70-75% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं तभी हमें सही पता लगेगा कि क्या सूरत हाल है। उस वक्त शायद ये दुनिया में भी पता चल जाएगा कि दुनिया भी कितना लोग वैक्सीनेट हो गए, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या हमें 6 महीने के बाद बूस्टर देना है या 1 साल के बाद बूस्टर देना है या हर साल ये बूस्टर डोज लगता रहेगा। अभी मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से कि हमें अभी बूस्टर डोज सही है, अभी कब लस वक्त होगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक और अहम मामला है, वो मामला ये है कि पहले हमने देखा कि सेकंड डोज जो थी उसका दौरानिया बढ़ा दिया गया, साइनोफार्म का दौरानिया आपने बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया, बाकी इसी तरह से साइनोवैक का भी बढ़ा दिया गया, एस्ट्राजेनेका का भी पाकिस्तान में बढ़ा दिया गया। कल डॉक्टर फैसल सुल्तान करते हैं, ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि नहीं 3 हफ्ते बाद दोबारा से लगाया जा सकता है। तब हम सवाल कर रहे थे क्या किसी रिसर्च की बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है या फिर शॉर्टेज की बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है। कल की ट्वीट के बाद तो ऐसा लगता है शॉर्टेज की बिना पर यह फैसला किया गया था ना कि रिसर्च की बिना पर, आप क्या समझते हैं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये यकीनन रिसर्च में ऐसी बात नहीं है, और जो बेसिकली शुरू में जो ये डाटा फॉर्म हुआ था चाइना से तो यही था कि साइनोफॉर्म जो था वो 21-22 दिन के बाद दिया जा रहा था, लगना था, लेकिन कुछ शॉर्टेज की वजह से इसका टाइम बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर टाइम बढ़ा के किया जाए, शॉर्ट टाइम में नहीं करना चाहिए कि अगर 2-4 हफ्ते का टाइम है अगर वैक्सीन का किसी का और आपने 2 हफ्ते में ही लगा लिया सेकंड डोज तो वो शायद आपको कोई परेशान कर सके। अच्छा। लेकिन अगर टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 1-2 हफ्ता ज्यादा हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान में इसका टाइम बढ़ाया गया वो जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, क्योंकि लोग बहुत सारे किसी ना किसी वजह से बाहर निकले और बहुत ज्यादा वैक्सीन की डिमांड आ गई, तो उसको मैनेज करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया, मेरे ख्याल में वो सही था। अच्छा, दूसरी बात जो आपने अभी इस्लामाबाद की बात की है, मैं जरा सा ऐड करूं कि देखें पिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, हमें जो रिपोर्ट मिलती है तो मैं NCOC से दरखास्त करूंगा कि अगर ये रिपोर्ट एक तो SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, अगर नहीं और अगर केसेस इसके बावजूद बढ़ते हैं तो देखें इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना चाहिए ताकि ये जो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए, उसके बाद फिर आप SOPs पे फॉलो कराएं, लेकिन अभी सख्ती से SOPs पे फॉलो करना है ताकि ये केसेस नीचे आने चाहिए, वरना ये डेल्टा वेरिएंट जो है जब एक दफा हमारे हाथ से निकलता है तो बड़ा मसला बन जाता है, और हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज को भी हुकूमत करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज को भी अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा कल से यही बात ज़्यादा हो रही थी कि पहले दौरानिया जो बढ़ा दिया गया था, इजाज़त दे दी गई है, तो वो रिसर्च के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो पहले कहा जा रहा था कि नहीं अब यही बेहतर है कि दौरानिया बढ़ाकर उसको लगाई जाए, लेकिन अब चूँकि इजाज़त दे दी गई है तो आप लोग 3 हफ्तों के बाद अवेलेबिलिटी भी है, आप लोग 3 हफ्तों के बाद साइनोफार्म के लिए जा सकते हैं, साइनोवैक के लिए 4 हफ्ते बाद दोबारा से आप जा सकते हैं, और किसी मैसेज का इंतजार मत कीजिए। कई लोग ऐसे हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक डोज लगवाई है, दूसरी डोज लगवाने के लिए गए ही नहीं, या तो वजह यह है उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की, हालांकि जब तक दूसरी डोज नहीं लगेगी आप
मुकम्मल वैक्सीनेटेड नहीं है, और दूसरे वो लोग हैं जिनको अभी तक मैसेज नहीं आया और वो कंफ्यूज। लेकिन जिन लोगों को मैसेज अब नहीं आया वो मैसेज का इंतजार बिल्कुल ना करें, अपना जो टाइम पीरियड रखा गया 3 हफ्ते या 4 हफ्ते उसके बाद जाके अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी कराएं, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे तब तक जो है आपके मुदाफत पैदा नहीं हो सकेगी इस वेरियंट के खिलाफ जो कि डेल्टा वेरियंट अब आया कोरोना। सर सब जो साफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सर सब जो साफ पाकिस्तान की तारीखी मुहिम तब्दीली की जानेब एक अहम कदम और नए पाकिस्तान की तामीर के लिए संगे मील है, और वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज तर बनाने का अज़्म कई बार कर भी चुके हैं। अच्छा, मुल्क को साफ शफाफ और सरसब्ज बनाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम कामयाबी से जारी है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सगिया में दुनिया के सबसे बड़े मेवाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया और उन्होंने मेवाकी जंगल के लिए पौधा भी लगाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए 50 मकामात पर अर्बन फॉरेस्ट लगाने की सोच अहम और पहला कदम है, और इसी हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब का ये अज़्म है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। ये वो लाहौर था जिसमें हम बड़े हुए थे, जिसमें बागात थे, दरख्त थे, साफ आबो हवा थी, और हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। जो बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी हैसियत से बहुत आगे निकल के अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, और मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कम अज़ कम एक दरख्त लगाना चाहिए और फिर उसको उसकी परवरिश करनी चाहिए। ये वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू आपने मुलायजा की है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मलिक अमीन असलम साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये मियावाकी दरख्त की या जंगल की क्या खसूसियात हैं, थोड़ा सा हमें ये बता दें, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके बाद लाहौर की फ़ज़ा में कितनी बेहतरी आएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल मियावाकी जंगलात जो हैं ये एक ख़ास तरीका है जंगल उगाने का, और स्पेशली अर्बन फॉरेस्ट जहाँ पर ज़मीन कम हो और आप जल्दी जंगल उगाना चाहें। तो ये एक जापानीज़ बॉटनिस्ट थे मिस्टर मियावाकी, जिन्होंने ये एक दरियाफ्त किया तरीका जिसके ज़रिए लैंड की प्रेपरेशन इस तरीके से की जाती है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें राइस हस्क शामिल होता है, शुगर हस्क शामिल होता है, देसी खाद, देसी गोबर शामिल होता है, और 3 फुट तक उसको खोद के ये ग्राउंड प्रेपरेशन की जाती है, और उस ग्राउंड की खासियत ये होती है कि वो वाटर को रिटेन करता है। उसके बाद जो पौधों की सिलेक्शन है वो इस तरीके से की जाती है कि और लगाया इस तरीके से जाता है कि मुख्तलिफ पौधे लगाए जाएं, सारे इंडिजिनस अच्छा। पौधे हों लेकिन वो उनके रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट हों, और जब वो रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट होती है तो फिर उनमें से हर पौधे को हर वक्त सनलाइट मिल रही होती है, जिसकी वजह से जो मियावाकी जंगल है ये 10 गुना ज़्यादा रैपिड स्पीड के ऊपर ये उगता है, और इसलिए तकरीबन 40% ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सोल्यूशन था हमारे शहरों के लिए, खसूसन लाहौर के लिए जहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स बहुत बढ़ चुके हैं, और 2008 से 2018 तक जो एक डेकेड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं समझता हूँ गुजरा है, जिसके अंदर 70% लाहौर की ग्रीनरी को ख़त्म किया गया था, ठीक है। और ये लाहौर जो कि मुगलों के ज़माने से सिटी ऑफ गार्डन्स मशहूर था उसको एक लॉस्ट सिटी ऑफ गार्डन्स बना दिया गया था। तो अब इमरान खान साहब ने आकर ये एक विजन दिया और कोशिश की है कि यहाँ पर हम दोबारा इन फॉरेस्ट को रिवाइव करें, तो अल्लाह के फजल से 50 मियावाकी फॉरेस्ट लाहौर में लग चुके हैं। अच्छा, और जिनमें से आज जो मियावाकी फॉरेस्ट लगाया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है जो कि 100 कनाल पे मुहित था, ठीक है, और इसमें 1,65,000 पौधे लगाए गए हैं। तो इससे इंशाल्लाह लाहौर की जो ग्रीनरी है वो भी दोबारा बहाल होगी और ये लाहौर के लंग्स बनेंगे, ताकि लाहौर जो एक पोल्यूटेड शहर बन चुका है उसकी पोल्यूशन को कम करने में ये बहुत करामत साबित होंगे, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम करने के लिए ये कार्बन सिंक्स के यही उम्मीद करते हैं मीनस के इस तरह से ही हमारा जो पाकिस्तान है वो सरसब्ज़ और शादाब हो। लाहौर के अलावा अगर बात करें मुल्क के मजीद और कौन कौन से शहर हैं जो मियावाकी जंगल लगाने के लिए मौजू हैं? मियावाकी जंगल जो है ये सारे अर्बन एरियाज़ में लगाया जा सकता है, और जो हमने कैंपेन स्टार्ट की थी जो लिबर्टी के एक छोटे से राउंड अबाउट से स्टार्ट हुई थी कोई तकरीबन 1.5 साल पहले, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो लगाया गया था प्रोजेक्ट, उसके बाद इसने बहुत सारा मोमेंटम गेन किया, और जैसे मैंने बताया कि लाहौर शहर के अंदर ही 50 मजीद साइट्स के ऊपर लगाया जा चुका है। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ और शहरों में भी अब मियावाकी जंगलात जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। इसमें तकरीबन
100 से ज़्यादा जो मियाँ वाकी हैं वो पेशावर के एरिया में लग चुके हैं और इसके साथ पिंडी में भी लग रहे हैं। इस्लामाबाद में 20 मियाँ वाकी फॉरेस्ट लग चुके हैं। मैं कल अटक गया हुआ था अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर भी 2 मियाँ वाकी फॉरेस्ट लग रहे हैं। तो एक ये कैंपेन स्टार्ट हो गई है, तो ये बड़ा एक खुशायन चीज़ है कि एक नया तरीका है फॉरेस्ट उगाने का, अर्बन फॉरेस्ट उगाने का, जिससे ग्रीनरी भी होती है और उसके साथ साथ ठीक है। मलिक अमीन इस्लाम साहब, ये भी बता आपकी हुकूमत में सरसब्ज माहौल के लिए 1 अरब से ज़ायद दरख्त लगाने का दावा किया गया है। अच्छा, इससे पाकिस्तान के माहौलियाती इंडेक्स की बात कर लीजिए, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? बिल्कुल, पाकिस्तान का जो माहौलियाती इंडेक्स है उसके अंदर भी इससे बेहतरी आएगी और ये पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है उसके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये दरख्त जो है ये सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए नहीं लग रहा, ये पाकिस्तान को जहाँ पे इसका एयर पोल्यूशन का भी फ़ायदा है, यहाँ पर कार्बन एमिशन्स भी कम हो रही है, लेकिन इसका दुनिया को भी फ़ायदा है और दुनिया इसका एतराफ़ भी कर रही है। हमने जो 1 अरब दरख्त केपी में पहले लगाए और उसके बाद हमने जो 10 बिलियन ट्री सुनामी स्टार्ट किया पूरे पाकिस्तान में, उसके अंदर भी 1 अरब मज़ीद दरख्त हम लगा चुके हैं, जिसको अब इंशाल्लाह 1 और अरब हमें इस साल पूरा करना है। तो ये पाकिस्तान में मैंग्रोव जो साउथ में हैं उधर से लेके नॉर्थ में जो हमारे जंगलात हैं वहाँ तक, बीच में हमारे स्क्रब फॉरेस्ट हैं, रिवराइन फॉरेस्ट हैं, हर जगह पे लगाए जा रहे हैं और अर्बन फॉरेस्ट भी लगाए जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ये एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन है जो कि पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है, पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासर तरीन ममालिक में शुमार होता है। आज एक यूएन की रिपोर्ट निकली है जिसमें 15,000 साइंटिस्ट जो कि दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो 8 साल बैठ कर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बताया गया है कि दुनिया को एक रेड वार्निंग मिल गई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि अगर हमने अपनी डेवलपमेंट के मॉडल को ठीक ना किया तो ये दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया है, हमने हवा में पोल्यूशन इतनी ज़्यादा कर दी है कि दुनिया की जो एटमॉस्फेयर है वो चोक हो रहा है इस वक्त। तो इसलिए ये दरख्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दरख्त हवा से पोल्यूशन को निकालते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, हमें छांव देते हैं, हमें फल देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये सदका जारिया है जो कि हमें हमारे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हम दरख्त लगाएं। तो इसलिए ये दरख्त लगाना ज़रूरी है और मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानियों से कि इंशाल्लाह इस बार 14 अगस्त को हम ग्रीन पाकिस्तान डे के तौर पर मना रहे हैं, तो जहाँ पर आप अपने झंडे लहराएंगे 14 अगस्त को, वहाँ पर अपने हिस्से का दरख्त ज़रूर लगाएं और उस दरख्त को फिर बचाएं ताकि अगले 14 अगस्त को आप हमें वो दरख्त दोबारा दिखा सकें। मलिक अमीन ने इसके बहुत सारी खसूसियात बताई हैं, लेकिन कुछ माहिरीन जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि मियावाकी जंगल जो है पाकिस्तान में लगाने का तजर्बा जो है ना सिर्फ पैसे का ज़ाया बल्कि इससे पानी की सतह मज़ीद गिर जाएगी, ये बात दुरुस्त है? देखिए, एक तो मियावाकी जंगल जो उगाया जाता है इसका सबसे बड़ी खासियत यह है कि पानी ये बहुत कम इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मटेरियल लगाया जाता है ग्राउंड के ऊपर जो कि पानी को, जो भी पानी इसको आप देते हैं एक बार देते हैं तो पानी को सोख कर लेता है और एक स्पॉन्ज की तरह फिर ये ट्रीट करता है। तो जो भी माहरीन ये बात कर रहे हैं उनको इसकी मुतलक पता नहीं है। दूसरा ये है कि ये मेंटेनेंस फ्री जंगल होता है, इसकी कॉस्ट इनिशियल थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन उसके बाद ये इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाती है क्योंकि ये जंगल नेचुरली उगता है उसके बाद। तो ये एक बहुत मौजूद सोल्यूशन है, तमाम दुनिया इसको एम्प्लॉय कर रही है और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो इमरान खान साहब का विजन है उसके मुताबिक इसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो जो नाकदीन है वो तो इस किस्म के नाकदीन है कि कल हमने एक कोशिश कर रहे हैं गुजरांवाला शहर में, हमारी यूथ कोशिश कर रही है जी, वो वीडियो मिनट के अंदर 50,000 पौधे लगाए हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो इंशाल्लाह 12 तारीख को मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ उसके लिए, लेकिन उसके नाकदीन इस किस्म के हैं कि एक MP है वहाँ के, उन्होंने इसके ऊपर एक करारदाद जमा करा दी है कि अगर ये इतने दरख्त लग जाते हैं, यानी कि 50,000 दरख्त अगर गुजरांवाला शहर में, क्योंकि पोल्यूटेड एक शहर है, अगर उसके अंदर ये दरख्त लग जाते हैं तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी रिस्क और सिक्योरिटी हैजर्ड बन जाएगा। तो ये तो मैं समझता हूँ एक जाहिलाना सोच है और ये जाहिलाना सोच से हमें बाहर आना होगा, अपनी सियासत को इससे बाहर निकालना होगा और पाकिस्तान को हमने इससे इस जाहिलाना सियासत से बाहर लेके जाना है और एक ग्रीन। सही है, सही है मलिक अमीन इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपसे। मेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमें पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना है और हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, एक दरख्त तो लाजमी तौर पर लगाएं। बिल्कुल ऐसी है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह